एक दौर था जब बॉबी देओल का सितारा गर्दिश में था। मजाक उड़ाने के लिए लोग उनको बोलते थे लॉर्ड बॉबी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट पलटी कि आज सच में लॉर्ड बॉबी बन चुके हैं बॉबी देओल। और उनका एक वीडियो लेटेस्ट तरीके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बॉबी देओल गरीब बच्चों को 500 का नोट बांटते दिखाई दे रहे हैं। पेपराजी बहुत खुश हैं, हर तरीके से उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। इतने बिजी हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज की फिल्में एक साथ कर रहे हैं और करीब 2 सालों तक उनके पास काम ही काम है। एक्चुअली बॉबी देओल किसी काम से बाहर आए थे। उनकी सादगी दरिया दिली को देखकर पब्लिक बहुत खुश हैं, बिकॉज वो बच्चों को न सिर्फ पैसे दे रहे हैं बल्कि उनके साथ वो एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में उनको मेहनत करने की नसीहत भी दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है बहुत सारे सितारे आते हैं, गरीब बच्चे उनसे भीख मांगते हैं या फिर हेल्प मांगते हैं, सितारे जल्दी जल्दी में चले जाते हैं। कई बार बोलते हैं मेरे पास चेंज नहीं है, कई बार वो बहुत ही फुटकर पैसे देते हैं। लेकिन लॉर्ड बॉबी ने जितनी क्यूटनेस से अपनी जींस की पॉकेट से पैसे निकाले और छोटे छोटे बच्चों को 500 के नोट दिए, उससे नेटिजन बहुत खुश हैं, बिकॉज जैसे ही उन्होंने बच्चों को पैसे दिए बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मजेदार बात यह कि सनी देओल के भाई बॉबी देओल बच्चों से कह रहे कि मेहनत करिए और उनकी तारीफ वाली बातों पर बहुत ही संजीदगी से मुस्कान देकर आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल बॉबी देओल का सितारा पूरी तरीके से आसमान पर छाया हुआ है। उनके पास आने वाली फिल्मों में बहुत बड़े बड़े नाम है। एक तो उनके पास तमिल मूवी कंगुआ, जहाँ पर वो साउथ के सुपरस्टार सूर्या के साथ काम कर रहे हैं। उनका लुक एनिमल से भी हार्ड एंड डार्क है। इसके अलावा आश्रम का भी अगला सीजन आ रहा है। साथ ही साथ साउथ की एक और बड़ी तेलुगु मूवी आने वाली है, जिसमें पवन कल्याण के अपोजिट विलन का रोल करने वाले हैं बॉबी देओल। साथ ही अपने होम प्रोडक्शन की फिल्में आने वाली हैं, जिसमें अपने यमला पगला दीवाना और पोस्टर बॉयज के नाम ले सकते हैं। बहरहाल बॉबी आजकल अपने कर्मों का फल काट रहे हैं और बहुत ही अच्छे स्टारडम को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में नेटिजन उनके काम को लेकर खुशी जताते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं कि अपने परिवार में बॉबी देओल को भी सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, बिकॉज गैरों को बांटना अपनों को डांटना अच्छी बात नहीं है। जिस तरह बॉबी देओल दरिया दिली से अजनबियों को पैसे बांट रहे हैं, वैसी अपनी सौतेली माँ हेमालनी और सौतेली बहन ईशा देओल से मिलें, उनके साथ अच्छे मोमेंट शेयर करें। बिकॉज कुछ वक्त पहले बॉबी देओल एक मैरिज अटेंड करने गए थे, जहां पर हेमालनी भी पहुंची थी, लेकिन बॉबी देओल ने बहुत ही चालाकी से स्पेस को मिस किया और उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई। यानी डिफरेंट फ्रेम में दोनों की छत के नीचे थे, लेकिन बॉबी ने अपनी सौतेली माँ को इग्नोर कर दिया। अब बॉबी से लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप बच्चों से बाहर वालों से इतना खुले दिल से मिल सकते हैं, तो अपने परिवार को भी खुली बाहों से स्वीकार कीजिए, जैसे सनी देओल स्वीकार करते हैं। सनी देओल खुलेआम ईशा देओल को हेमालनी को लेकर बातें करते हैं, उनसे मिलने भी जाते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। अब बॉबी को भी इंडिविजुअली अपने सौतेले परिवार से दोस्ताना कर लेना चाहिए, तभी बॉबी सच में लॉर्ड बॉबी बनकर नजर आएंगे।